देख रहे हैं आप, ये जब पानी भर जाता तो ये जो आइलैंड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पूरा पानी से फुल हो जाता है। ठीक है, तो मैं बोट के ज़रिए यहाँ पर आया हूँ। वहाँ पर राहुल जी हैं और उनके एक दोस्त हैं, वो लोग भी अभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम लोग को ये चारों कोना ट्राई करना है, सब जगह पर ट्राई करना है, यहाँ पर कुछ अच्छा बाइट मिल जाए। और ख़ास करके यहाँ पर मैं आया हूँ और स्नैपर और बारामुंडी के लिए, तो यूज़ करने वाले लुकाना श्रिम सेट, टाकुगाना रेड और डाइवा का क्रॉस फायर LT 5000 सीरीज़। तो ट्राई करते हैं आज। यहाँ पर स्लिपरी एरिया, पूरा पानी से भीगा रहता है, इसके लिए वैसा है। और ये वही नदी है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर रिसेंटली शार्क मच्छी के ज़रिए किसी एक लड़के का पैर काटा गया। कि तो थोड़ा दूर रह के ही करते हैं, यहाँ पे मच्छियों के होने के चांसेस हैं, तो ट्राई करते हैं। यहाँ पर आने का कारण मेरा स्पेशली ये है कि मैं जानना चाहता था कि ये जो नदी में शार्क ने जो अटैक किया है वो क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसके बारे में जानकारी लेने आया हूँ मैं। और मैं यहाँ से अब जाऊँगा उस लोकेशन पे जहाँ पर शार्क ने अटैक किया था उस बच्चे के ऊपर, तो वो भी देखते हैं और देखते हैं, यहाँ कोशिश भी करता हूँ कि यहाँ कुछ लगता है या नहीं। एनीवेज तो आगे बढ़ते हैं और जाके देखते हैं उस जगह को जहाँ पर शार्क ने अटैक किया। दिलीप, तुमने पहली बार कब देखा था शार्क यहाँ पर? यहाँ पे देखा था पहली बार, फर्स्ट टाइम। अच्छा, तभी मालूम नहीं था शार्क ही था, लोगों को लगता है दूसरा ही कोई है, लेकिन शार्क बाद में पता चला कि शार्क ही था। पहले फर्स्ट टाइम इधर था। अच्छा, जगह पे। ओके, बाद में वो ऊपर चला गया। ऊपर मतलब कौन सी और अंदर की तरफ चला गया? और अंदर की ऊपर की तरफ चला गया। अच्छा, पानी बढ़ता गया, ऊपर चला गया, खाते खाते वो ऊपर की तरफ चला गया। अच्छा, ठीक है। तो जब आप लोगों को पता चला कि शार्क है इसके अंदर, तो आप लोगों ने किसी को बताया कि हाँ इसमें शार्क है, गांव वालों को कि आप इसमें मत जाओ, इसमें शार्क आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन मालूम नहीं था शार्क है ऐसा। कन्फर्म नहीं था। तो आप लोगों को क्या लग रहा था, क्या है वो? ऐसा लग रहा कोई होएगा मच्छी कुछ, ये अच्छा जंगल का प्राणी प्रेमी होएगा, वो आता है जाता है, ऐसा लगता होगा। बाद में पकड़ा उधर, तभी मालूम है शार्क का ऐसा। ओके। हाँ, समझ गया, उसके पीछे। हाँ, इसके पीछे। तो ये पट्टे से वो ऐसा काफी दूर से यहाँ तक आया और यहाँ पे खाना वाना खा के यहीं फंस गया। जाने दिखाता हूँ मित्रों, दादा जाला धागा फिसला नहीं आता, टिकट बन कट गए। यहाँ पर ये जो पत्थर लगे हुए हैं, जैसे कि लोकल गांव वाले क्या करते हैं, ऐसा अपना अपना पत्थर लगाते हैं कि मच्छियाँ जब लो टाइड होता है तो मच्छियाँ रुक जाती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो वो लोग पकड़ लेते हैं छोटी मच्छियाँ। अब उनको ये नहीं पता था कि इसके अंदर 200 किलो का शार्क आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है काफ़ी दूर है समुंदर को लगता है, ये जो पानी है समुंदर से कनेक्टेड है और डायरेक्ट समुंदर में जाता है ये पानी, पहाड़ों से होता हुआ पानी। और शार्क मछली ज़्यादातर क्या होता है, मीठे और खारे पानी में सर्वाइव कर लेता है, तो वो खाना खाने के लिए स्पेशली यहाँ पर आता है कि भरपेट उसे खाना मिले। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि यहाँ पर वो ये पत्थरों के वजह से आके फंस गया। और फिर उसके बाद की स्टोरी मैं यहाँ के लोकल उनसे पता लगाता हूँ क्या क्या हुआ है यहाँ पर।
मेरा यहाँ आने का कारण यही है कि मैं जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या, क्या एक शार्क ने डायरेक्टली हमला किया किसी इंसान पे या इंसान ने उसको छेड़ा। तो अभी तक इस बात का क्लियरेशन अभी तक हुआ नहीं है कि आखिर हुआ क्या था। और इस बात को अब मैं अगर यहाँ किसी से पूछूंगा भी तो शायद उसका जवाब ना मिले। तो फिर भी देखते हैं कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कई हजारों साल से ये नदी बह रही है और मेरे जन्म से भी पहले कई नदी है और उससे भी पहले से ये मछलियाँ यहाँ पे सर्वाइव करती थी, खाती थी, आती थी, रहती थी, जाती थी। आज तक कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी इंसान पे इस मछली ने हमला किया हो। रही बात यह है कि शार्क कभी भी सामने से अगर ठीक है शार्क लोगों को दिख रहा था वहाँ पर, तो भी वो लड़का वहाँ पे गया है और उसके बाद जो हमला हुआ है शार्क ने जो हमला किया है, कैसा होता है कि शार्क ये अगर आप पीठ पे या पूंछ पे जब मारोगे तो शार्क इंस्टेंट बैक टर्न लेके तुरंत आपको फोर्स से पकड़ सकती है। शार्क इतना टर्न लेती है एक ही जगह पे, अगर आपने उसकी पूंछ पे छेड़ा तो शायद डायरेक्ट इस तरीके से टर्न होके आपको पकड़ लेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही कुछ हुआ है यहाँ पर कि या तो उसको छेड़ा गया है उसके बाद वो हमला किया उसने, या तो हो सकता है वो शार्क बहुत डरी होगी क्योंकि यहाँ पे छिछला पानी है, पानी का स्तर बहुत कम है, जब हाई टाइड होगा पानी अंदर की तरफ भरा होगा तो वो खाते खाते यहाँ तक पहुँची होगी और जब लो टाइट हो गया तो इन पत्थरों की वजह से फंस गई यहाँ पर, और इन पत्थरों की वजह से फंसने के बाद में फिर उसके किसी पे हमला जो भी हुआ उसके बाद उसे मार दिया गया। बचाया जा सकता था लेकिन उसके पेट में करीबन 15 बच्चे पाए गए। तो मुझे मैं मेरी पर्सनल राय ये थी कि मेरी सोच ऐसी है कि उसको छोड़ दिया जाता तो काफ़ी अच्छा। तो आगे की स्टोरी मैं उस लड़के से जानना चाहता हूँ जिस लड़के को शार्क ने बाइट किया है, और जाके उससे मिलते हैं, कोशिश करते हैं उससे मिलने की और उससे बात करने की। तो जैसे कि आप मेरे बाजू में जो देख रहे हैं ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये उसी लड़के का फ़ोटो है जिस लड़के को शार्क ने काटा था। और आखिर में क्या हुआ कि उसका उतना हिस्सा काट के निकालना पड़ा और उसे अब एक ही पैर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, तो ये बड़ी अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि थोड़ी सी सावधानी अगर वो सब करता उस वक्त करता सावधानी के साथ तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा नुकसान है उसके लिए और उसके परिवार के लिए। तो मेरी और मेरे पूरे टीम की तरफ से उसको कुछ ना कुछ हम लोग मिल के उसके लिए जितना हो सकता है उतना सहायता करेंगे। हम लोग हमारी तरफ से उसको कुछ ना कुछ डोनेशन देंगे और आगे से मैं भी आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आगे से आप लोग भी जहाँ भी मछली पकड़ने जाते हैं, फ़िशिंग के लिए जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि यहाँ पे ये नहीं होगा। पानी से दूर रहें, अगर आपको तैरना भी आता है तो अनजान जगह पे डायरेक्ट ना घुसें। अंदर क्या जानवर है, क्या है क्या नहीं, कुछ पता नहीं, ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो ये वीडियो इतना ही था गाइस, और दुआ करो उस लड़के के लिए कि उसका आने वाला जीवन अच्छा रहे, सफल रहे।